सती माता श्री वृंदा देवी मंदिर में चल रहे ऐतिहासिक तुलसी एवं मामला पूजन महोत्सव के दूसरे दिन मामला नवमी के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ तुलसी और आमला के पौधों के आगे दीप प्रज्वलित कर पूजन किया और माँ वृंदा जी के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल बीज, विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व CPS KD भंडारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर मंदिर कमेटी सदस्यों की ओर से श्री विज को सिरोपा पहनाकर विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। गौरतलब रहे कि अक्षय नवमी कार्तिक मास में मनाई जाती है। इस दिन आमले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आमले को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और जो भी भक्त इस दिन आमले के वृक्ष के नीचे भजन कीर्तन व भोजन ग्रहण करते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस अवसर पर मंदिर की महिला संकीर्तन मंडली ने माँ वृंदा और भगवान विष्णु जी की महिमा का गुणगान किया। महोत्सव में मंदिर प्रबंधक कमेटी के ट्रस्टी शीतल विज, अजय सिक्का, अश्विनी खोसला पप्पू, प्रधान बलराम कपूर, सभापति हरिपाल सोंधी, महासचिव राजेंद्र राजा, राकेश गर्ग, सुरेंद्र विज, परीक्षित वधवा मिलाप थापर, महेश कालिया, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष ललित कोहली, वरिष्ठ उप प्रधान गुलशन शर्मा, जीवन शर्मा, ललित मित्तल, शिव कुमार सहदेव, एडवोकेट मनिंदर सचदेवा, मृदुल सौंधी, प्रिंस सौंधी भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजो मंगलम पुंडलिकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगल ही मंगल जी। आज 2024 तदनुसार 10-11 अग्नि सर्वदेवाना कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी, आज अमला नवमी का दिन है। आज का दिन जो अच्छे नवमी के बोला जाता है, इसको कृष्णा नवमी भी बोला जाता है, अमला नवमी भी बोला जाता है। ये पूरे विश्व में मतलब एक ही मंदिर है, ये अमला नवमी का जो स्थान है, सती बिंदा का जो स्थान है, एक ही स्थान है जलंधर में, कोट कृष्णचंद जलंधर में। जो भी भगत लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो अमला का रूप है विष्णु का रूप, तुलसी का रूप है लक्ष्मी का रूप। तो आज के दिन वो जो अच्छे नवमी का दिन, जो कृष्णा नवमी के दिन यहाँ पर भगवान विष्णु की और तुलसी की जो परिक्रमा करता है उसके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उसके घर में धन धान्य समीर्थार्थ विद्याला पुत्रला सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। जयकर सेना वाली माँ बोल साझी दरबार की जय। विनोद सोंधी निवासी कोट कृष्णचंद जलंधर। जेड़ा ये मेला है ये हर साल एक बहुत पुरानी जगह है और जलंधर की उत्पत्ति शिव जी के क्रोध के नाल जेड़े उन्होंने क्रोध के नाल भस्म करने की कोशिश की सी इंद्र नूं जो भज गए तो उन्हों का जो क्रोध का जोड़ा असर है वो समुद्र के विचों जाके हुआ तो उत्ते जलंधर राष्ट्र की उत्पत्ति हुई। और जोड़ा ये अपना
भगवान विष्णु और तुलसी माता ये जो पता लग गया क्योंकि जड़ा जिंद राक्षस है वो मरना तद जी घरवाली का अस्तित्व भंग हों भगवान विष्णु ने अपना जिंद राक्षस का रूप धारण किया तो अस्तित्व भंग किया और जो पता लगे कि मेरा घरवाली विष्णु है तो उन्होंने उन्होंने श्राप दिता भी जाओ तुम पत्थर बन जाओ तो पत्थर जरा अच शालीग्राम कहते तुलसी अपने आप में भस्म कर लिया वो भस्म तुलसी की भस्म के तुलसी का बूटा उत्पन्न होया और जरा आंवला जरा अजक चलता और आंवला तुलसी माता की पूजन होंगी है ये इस करके होंगी है जो आंवले के ना विष्णु भगवान जो है वास करते हैं और हर साल जर भगवान शालीग्राम के रूप के और तुलसी माता का शादी होंगी है और हर साल ये प्रथा चलती आ रही है और लोग जड़े हर साल आंवला पूजन नौवीं वाले दिन पूजा जाता और आंवले के वृक्ष के थले बह के भोजन करते हैं तो उन्होंने कई तरह दियाँ जी मनता इतने पूर्ण होंगे तुम लोग जोड़े बहरों मत्था टेकन आते हैं वो घर बना के अपने जिदा कोठी टाइप हो गए उन्होंने कामना जरूर पूर्ण होंगी।